राजस्थान का सीकर जिला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। चर्चा भी ऐसी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। दरअसल सीकर के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो किसी अचंभे से कम नहीं। शनिवार को सीकर शहर के सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में 2700 किलो के रोट का महाभोग बालाजी को लगाया गया। देवीपुरा सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में जहां 24 घंटे अखंड धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और भगवान को महाभोग लगाया गया है, ऐसे में मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा रहा। बालाजी ट्रस्ट मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा का दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा रोट है। इससे पहले सूरत में 127 किलो का रोट बनाया गया था। गिनीज बुक में सूरत के इस रोट का नाम दर्ज है। अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सीकर के बालाजी मंदिर का नाम दर्ज कराने के लिए मेल किया गया था। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम दिल्ली से सीकर आई और जानकारी एकत्रित कर ले गई है। बालाजी को लगाए गए महाभोग से करीब 25,000 भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। ये शेखावाटी का ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है। बालाजी के महाभोग के समय सीकर शहर ही नहीं अपितु देश और प्रदेश की खुशहाली की भी मनोकामना की गई। इस अवसर पर बालाजी ट्रस्ट मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमारा मुख्य मकसद है कि शहर देश और प्रदेश में हमेशा खुशहाली रहे, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। इस महाभोग का प्रसाद करीब 25,000 श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। मंदिर परिसर में दो दिनों से लगातार धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। ये तो बालाजी महाराज की ही कृपा रही है जिसकी वजह से इतना बड़ा आयोजन हो सका। महाभोग की सिकाई भिलाई और पूरी देखरेख का कार्यक्रम जोधपुर के संत श्री रामदास जी महाराज पुनासर बाप जी के सानिध्य में हुआ। इस महा आयोजन में सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वो इस आयोजन में आकर बालाजी महाराज का प्रसाद ग्रहण करें। सूरत और फलौदी के पुरनासर से बुलाए गए 20 कारीगरों ने इस विशाल रोड को तैयार किया है। 23 घंटे में क्रेन की मदद से रोड को पकाया गया। रोड की गोलाई 11 फीट है और मोटाई 2 फीट है। इसे बनाने में 12 लाख रुपए का खर्चा आया है। रोड को 23 घंटे में क्रेन की मदद से पकाया गया। इसे शुक्रवार सुबह 5 बजे बनाना शुरू किया था, जो शनिवार रात 3 बजे बनकर तैयार हुआ। इस 2700 किलो के रोड को बनाने में 1125 किलो आटा, 1250 किलो सूजी, 400 लीटर दूध, 400 लीटर गाय का देशी घी और 1100 किलो ड्राई फ्रूट्स से इस रोड को तैयार किया गया। इसे तैयार करने के लिए मंदिर परिसर में विशालकाय भट्टी बनाई गई। भट्टी बनाने में 10 दिन का समय लगा। क्रेन की मदद से रोड को जलती हुई भट्टी में सेकने के लिए रखा गया। रोड को भट्टी पर सेकने के लिए स्पेशल तवा और बेलन भी बनवाया गया। तवे का वजन 300 किलो और बेलन का वजन 250 किलो है। भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के लिए एक मिक्सर भी बनाया गया। रोड को थ्रेसर मशीन में पीसा गया और महाभोग तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।